Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ लाहौर में बिजली मंसूबे के हवाले से मुनक्किदा तकरीब से खिताब कर रहे हैं। रमज़ान शरीफ, समा और अदर क्लेमिटीज, गॉड फॉरबिड इफ यू फेस लाइक नॉट इनफ रेनफॉल एंड द डैम्स आर नॉट फुल, सो फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस एंड ऑफ कोर्स ग्रोथ ऑफ आवर इंडस्ट्री, ग्रोथ ऑफ आवर इकॉनमी, this project which is again being financed 100% by the government of Punjab, and of course the first phase of this 1262 megawatts Punjab power project, first phase of 810 megawatts will be completed in 14 months and the complete project would be completed in 26 months is yet another unprecedented timeline in the history of Pakistan. I would like to comment and congratulate Siemens and CMEC, the EPC contractor, and OEM Siemens, one of the most renowned name in the world of industry, for power projects, for health and whatnot. And CMEC is a renowned company from China, our great friend. And as you have seen, what benefits Pakistan is drawing from CPAC. Saiwal project is already in operation. In Port Qasim, similar project will start generating power by the end of the year. So I would like to again appreciate great support from our Chinese friends and Chinese government, which will go a long way in building Pakistan's economy. मैं अब उर्दू में बात करना चाहूँगा. आज एक मरतबा फिर हम यहां पर इकट्ठे हुए हैं और ये 1263 मेगावाट का मंसूबा, इसके ऊपर मौजदा जो आज हुआ है, आपने खुद देखे, उसके ऊपर सिग्नेचर्स हुए हैं. ये तसलसल है उन बहुत शानदार एफर्ट्स का जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पिछले 4 सालों के दौरान तमाम तर रुकावटें और मुश्किलात के बावजूद जो ये किए हैं, ये पाकिस्तान की तारीख में एक अनोखा बाब है, एक शानदार बाब है, एक नई तारीख रकम हुई है. मीडिया के बास चैनल्स तो बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं और बास चैनल्स बदकिस्मती से, हमारा ये एक कल्चर बनता जा रहा है कि इंतहाई खतरनाक है कि गलत बयानी और गलत तजिए और झूठ पर मबनी बातें करना, ये कोई कौमी खिदमत नहीं. ये हम कौम की जो सिमत है उसको खुदा ना खास्ता खराब कर रहे हैं. मैं ये कहना चाहता हूं कि देखें कि पाकिस्तान की तारीख में जितने मंसूबे लगे, इन 4 सालों में जो हजारों मेगावाट जो मंसूबे लग गए और चल गए और इंतहाई शिफाफियत के साथ और दिन रात मेहनत के बाद, मैंने हमेशा कहा कि आप हमें बेशक उसका क्रेडिट ना दें लेकिन कौम को तो बताएं कि वाकई ये कौम की खुशहाली और तरक्की के लिए एक ऐसा ये मंसूबा है जिसकी 70 साल में कोई मिसाल नहीं मिलती. आपने अभी ये, मैं जो हिंदुओं का जो गौरव धंधा है, मैं उसको
दोहराऊंगा नहीं, लेकिन मोटी मोटी बातें बताना चाहता हूं आपको, और वो ये है कि जो पिछले तीन मंसूबे लग चुके भिक्की हवेली बहादुर शाह और बल्लो की, ये 3600 मेगावाट के ये मंसूबे हैं, तीनों चल रहे हैं, तीनों जो सीपैक के मंसूबे हैं वो इसके अलावा हैं, जिसमें साहिवाल और भावलपुर में सोलर पावर प्रोजेक्ट शामिल हैं, वो इसके अलावा हैं। तो ये 3600 मेगावाट का जो पहला फेज है ये चल चुका, और इस साल के आखिर में जो दूसरा फेज जो वो लगेगा उससे पूरे का पूरा 3600 मेगावाट इंशाल्लाह कौमी ग्रिड पर 3600 मेगावाट बिजली मुहैया कर रहा होगा। कितनी बातें हुई कि जनाब इसमें फलां घपला है और फलां चीज है, ये शरीफ बरादरान तो कमीशन और करप्शन के बगैर, मैं मीडिया को आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा हूं कि उसके बगैर ये मंसूबा लगाते नहीं, आपने तो अपने उल्टे सीधे हो गए, एक धेले की करप्शन तो निकाल न सके, लेकिन कम से कम जो बचत हुई है और जो इस कौम की जो खिदमत हुई है, हकीर खिदमत, उसकी हमारा नाम लिए बगैर उसकी तो तारीफ करें। आप अब भूल गए कि रेंटल पावर प्रोजेक्ट में क्या कौम को अरबों के नुकसानात हुए, आप भूल गए कि नंदीपुर में जो कि 3 साल वो मशीनरी वो कराची में बंदरगाह पर दफन नहीं, और एक उस वक्त के वफाकी वजीर जिसका नाम सबको इल्म है अवान साहब, उनकी फाइल दराज में पड़ी हुई 2 साल और अरबों खरबों के नुकसानात पाकर, आप भूल गए कि ब्यामेर भाषा के ऊपर एक कौम के साथ एक नाटक हुआ 2007 के इलेक्शन से पहले, आज 100 अरब रुपए की जमीन अब खरीदी गई मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दौर में, आपको दासू डैम जिसके ऊपर काम शुरू हो चुका है, खुदारा हम पहले पाकिस्तानी हैं और बाद में कुछ और हैं, मैं सबसे पहले आपकी तरह पाकिस्तानी हूं बाद में कुछ और हूं, सियासतदान हूं या कोई इंजीनियर है या कोई ब्यूरोक्रेट है या कोई मीडिया का एंकर है या कोई जर्नलिस्ट है या कोई डॉक्टर है इंजीनियर है, अगर हमने मिलकर इस कौम की जो सिमत है उसका रुख मुतय्यन ना किया जिसके लिए कायदे आजम की अजीम लीडरशिप में तहरीक चली थी, तो हम अंधेरों में भटकते रहेंगे। मैं आज किसी पार्टी या किसी और के पर मैं आज कतन कोई मैं यहां पर तनकीद करने नहीं आया हूं, आज पूरी कौम के साथ ये खुशखबरी सुनाने आया हूं, और इस मौके के ऊपर हम अल्लाह ताला का सब मिलकर शुक्र अदा करते हैं करोड़ करोड़ के जिसने फिर मौका अता किया कि हम शफाफ तरीके से इस कौम की खिदमत कर सके। मैं आप की खिदमत में अर्ज करता हूं खास तौर पर मीडिया के उन अजीम एंकर्स और जर्नलिस्ट की खिदमत में जो कि वाकई पाकिस्तान की खिदमत के लिए दिन रात तड़पते हैं और बोलते हैं। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ लाहौर में बिजली मंसूबे के हवाले से मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब कर रहे हैं, और इस मौके पर उन्होंने ये बताया है कि 26 महीने इस मंसूबे को मुकम्मल तौर पर यहाँ पर तमाम तर काम को मुकम्मल करने में लगेंगे, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इसके अलावा ऐसे कई मनसूबे हैं जिनका हमने इनेकाद किया है और हमें खुशी है कि ये सब सिर्फ शरीफ दौर में ही हुआ है। शरीफ खानदान और इसहाक डार के खिलाफ रेफरेंस से मुतालिक पेशरफ